हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम अगेन सीख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलरेडी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है लीवरेज, आज हम उसका एक और टॉपिक सीखने वाले हैं। आज हम एक न्यू सम सीखने वाले हैं। 2018 में पूछा हुआ जो सम से जो ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किया है, वो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही खास सम है और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके अंदर मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एक प्रैक्टिकल सम्स भी आपको समझा रहा हूं। प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन्होंने फर्स्ट सम ना देखा हो तो प्लीज उसको पहले देखिए। वहां पर मैंने फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया था और साथ में 2019 का मैंने सम सॉल्यूशन करके दिखाया था, तो ये वीडियो पहले जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आई बटन में मिल जाएगी, वरना प्ले लिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम एक और न्यू सम सीखने वाले, वो है 2019 का, ठीक है। तो सम्स ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किया हुआ है, जिस पर से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2018 का मैंने सम्स राइट डाउन किया है, गुज.uni इस दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए एंडिंग में हमको क्या मांगा गया, पहले देख लीजिए। ईपीएस मांगा गया है, ठीक है, सेडिट का कमानी मांगा गया है, और साथ साथ में तीनों के तीनों लीवरेज भी हमको पूछे गए हैं, और ये हमको सम्स में दी गई है इन्फॉर्मेशन। सबसे मेन टॉपिक क्या है समझिएगा, हम लोग रीड करते हैं। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर दिया गया, टोटल अमाउंट दी गई 10 लाख की, और एक का प्राइस कितना दिया शेयर का 100 रुपीज। उसके बाद डिबेंचर का अमाउंट दिया गया 10 लाख, और सबसे मैंने स्टार्ट होता है सेल्स जो दिया गया, वेचान जो दिया गया, उसमें लिखा गया कि 20% क्या वो इंक्रीज हुआ है, वधारा हुआ है। जो पहले 1 लाख यूनिट था, एकम था, वो बढ़ के हमने कितना सेल किया, 1,20,000 यूनिट हमने सेल किया है। तो यहाँ पर दोनों कैटेगरी पे हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तीनों के तीन लीवरेज जो है वो दोनों कैटेगरी पे फाइंड आउट करना है। 1 लाख के ऊपर भी क्या क्या होगा और 1,20,000 पे भी क्या क्या होगा, तो दोनों के लिए मैं फाइंड आउट करना। तो यहाँ 1 लाख के लिए भी टेबल बनेगा और 1,20,000 के लिए भी बनने वाला है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में हमको सेलिंग प्राइस, वेचान की कीमत दी गई है, वेरिएबल चलित भी दिया गया, फिक्स स्थिर भी दिया गया, और टैक्स का रेट दिया गया। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपको एक फॉर्मेट पता होगा, नहीं पता तो प्लीज पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्या 1 लाख के लिए भी हमें फाइंड आउट करना और 1,20,000 के लिए फाइंड आउट करना, क्योंकि दोनों के लिए तीनों लीवरेज पूछे गए, और साथ में जो ईपीएस है उसमें जो वधारा हुआ इंक्रीज वो भी पूछा गया परसेंटेज में, टका बारे में। इसके लिए तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा इनकम स्टेटमेंट है, आवक अनुपत्रक, जिसमें हमें सब स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, सी फाइंड आउट करना है, ईबीआईटी, ईबीटी और ईएटी, लास्ट यहां तक हमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री करते हैं, सेल्स वेचान की एंट्री करते हैं। तो देखिए वेचान की हमें यहाँ डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी गई, लेकिन आपको वेचान के लिए सेलिंग के लिए एक यूनिट का प्राइस दिया गया 10 रुपीज पर यूनिट। एकम यूनिट कितना दिया गया, 10 रुपीज दिया गया, मतलब 1 लाख यूनिट आपने बेचा है तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितना होगा वेचान, सेल्स कितना होगा 10 लाख होगा। वहीं पर यहाँ 1,20,000 यूनिट एकम है तो 10 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा हमारा वेचान, सेल्स 12 लाख हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले कौन सा खर्चा माइनस करने का, वेरिएबल चलित का खर्चा माइनस करना होता है। तो जिसके लिए इन्फॉर्मेशन में हमें क्या लिखा गया, वेरिएबल चलित भी हमको 6 रुपया दिया गया, एकम यूनिट पर यूनिट दिया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, सेम यहाँ पर जो चलित था वेरिएबल जो था उसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी अमाउंट बन जाएगी 1 लाख इंटू में 6, तो यहाँ पर 6 लाख का चलित आएगा, वेरिएबल का खर्चा आएगा। वहीं पे 1,20,000 इंटू में 6 कीजिए, 7,20,000 यहाँ वेरिएबल चलित का खर्चा आएगा। हमें क्या करना होता है, वेचान माने चलित, सेल्स माइनस वेरिएबल करना पड़ता है, जिसे हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है फाड़ो, जिसे हम सी लिखेंगे, जो फॉर्मूला में हम खास यही यूज करने वाले। तो माइनस करके जो आएगा 4 लाख वो हमारा फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, या 7,20,000 माइनस कीजिए 4,80,000 बनेगा। आई होप इतना समझ में आ चुका है। अगला खर्चा जो माइनस करना रहता है वो रहता है फिक्स स्थिर खर्चा माइनस करना रहता है, और जो अमाउंट के रूप में देगा क्योंकि उसका नाम ही स्थिर है, फिक्स है, तो कितना अमाउंट दिया गया 2 लाख दिया गया है, जो दोनों कैटेगरी में 2 लाख सेम टू सेम हमें लिखना है। 1 लाख का वेचान किया होगा तभी भी, और 1,20,000 का किया होगा तभी भी 2 लाख का ही खर्चा होगा फिक्स। तो 2 लाख माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 2 लाख ही बचेगा, यहाँ पर 2,80,000 बचेगा। ये जो अमाउंट है क्या कहलाएगी, ईबीआईटी कहलाएगी। प्लीज इसमें ध्यान दीजिए, आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हो, अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स, गुजराती में ब्याज अने करेला पहलानो नफो अथवा कमाणी, दोनों लिख सकते हो। उसके बाद हमें क्या माइनस करना रहता है, ये मिलने का जो कमाणी मिल जाता है मेन, यही हमारी इनकम है। अब इसमें से हमें इंटरेस्ट ब्याज माइनस करना है, इंटरेस्ट के लिए हमें क्या दिया गया, डिबेंचर दिया गया, और दोनों कैटेगरी सेम बोला गया है, ठीक है। तो 10 लाख का डिवेंचर की अमाउंट है और परसेंट कितना है 10%, तो 10 लाख का 10% करोगे तो ब्याज कितना आ जाएगा भाई, 1 लाख ब्याज आ जाएगा। 1 लाख ब्याज हम लोग को दोनों कैटेगरी से सेम माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 1 लाख बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 1,80,000 बचेगा। अभी हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इसलिए अब क्या बचेगा, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स,
करवेरा पहला नो नफो, इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट कर राइट डाउन किया और ये हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में। तो ये और अमाउंट हो गई। लास्ट में माइनस करना रहता है टैक्स, करवेरा माइनस करना रहता है, जिसके लिए हमको परसेंटेज दिया गया सम्स के अंदर, कितना दिया गया 50% बोला गया है, और हमारा लास्ट काम है करवेरा टैक्स माइनस करना। तो 50% निकालिए 1 लाख का 50,000 और 180 का कितना आएगा 90,000, दोनों माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 50,000 यहाँ पर 90,000, और ये जो अमाउंट निकला बस इसके आगे कुछ करना नहीं है। वैसे तो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है बट हमारे सिलेबस में नहीं है। ये हो गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, करवेरा पचीनो नफो। अब हमारा चालू होता है कैलकुलेशन जो हमें मांगा गया सम्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये तीनों लीवरेज बता देता हूँ, ठीक है, जो नॉर्मल आप जानते हैं। फिर यहाँ पर दोनों कैटेगरी का फाइनल करने को बोला, 1 लाख पे भी कितना होगा और 1,20,000 पे भी कितना होगा। तो तीनों के लिए दोनों कैटेगरी पे आपको फाइनल करना है। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, आप समझ जाइए फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। आप लिखिएगा 1 लाख यूनिट, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अमाउंट यूज करना चाहूंगा। पहले आप फॉर्मूला आप क्लियर कीजिए। ऑपरेटिंग कामगिरी के लिए क्या होता है, C/EBIT, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट से समझाया था C/EBIT। वहीं पर फाइनेंशियल नाणकीय के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग भाई, C/EBIT। ऑपरेटिंग के लिए कामगिरी के लिए, तो अगला EBIT/EBT वो फाइनेंशियल के लिए यूज करते हैं नाणकीय के लिए, ऐसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, इसलिए जरूर चेकआउट कीजिएगा। थर्ड कंबाइंड संयुक्त, इसमें फर्स्ट था इसमें सेकंड था, तो इसके लिए कंबाइंड के लिए फर्स्ट और अपॉन में थर्ड, तो मतलब क्या हो जाएगा C/EBT हो जाएगा। अच्छा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले के लिए रख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो इसका देख लीजिए सी कितना है 4 लाख, EBIT कितना 2 लाख, तो 4 लाख अपॉन में 2 लाख, तो कितना आएगा एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। अब ये 1 लाख पर किया गया, अब मैं 120 पे करूंगा, आप राइट डाउन करना। फिर सेकंड देख लीजिए यहाँ पर सी बराबर कितना है 480 और EBIT कितना 280, तो यहाँ पर 480 और यहाँ पर 280, तो आप डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 1.71 आएगा, ठीक है। ये 1,20,000 के ऊपर था, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं फिर सेकंड फाइनेंशियल पे आते हैं नाना की, EBIT/EBT फॉर्मूला समझ गए होगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट फिलअप करना आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पर 2 लाख है, अपॉन में कितना आएगा माइनस करके होने बाद वाला 1 लाख, तो यहाँ पर भी इसका एग्जैक्ट 2 बनने वाला है। 1,20,000 पे चेक कीजिए EBIT कितना 2,80,000 और EBIT कितना 1,80,000, तो 2,80,000 अपॉन में 1,80,000, ठीक है, तो कितना है 1.55 आ गया। अब लास्ट हमें आना है C/EBIT कंबाइंड संयुक्त के लिए, तो भाई आप ऐसे भी करना चाहते हो 4 लाख डिवाइड में यहाँ पर 1 लाख, ऐसे भी करोगे तो भी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। या फिर जो दूसरा तरीका मैंने अभी कहा आपको, इसका आंसर कितना रहा 4 आ रहा है, या तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 × 2 कितना 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 लाख के लिए था। अब ऐसे 1,20,000 के लिए करना है, सी कितना है भाई इसका 4,80,000 है, अपॉन में इसका EBIT कितना है, EBIT 1,80,000 है, तो यहाँ पर बस आप डिवाइड कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा 2.67 मिल जाएगा। आप चाहो तो 1.71 और मल्टीप्लाई में 1.55 भी कर सकते हो तो भी मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो गए तीनों लेवरेज दोनों कैटेगरी के अंदर। सबसे मेन था EPS, इसमें इंक्रीज पूछा गया है, इंक्रीज पूछा गया है, आवक में वधारो टकावारी पूछा गया EPS में CDIT में। तो देखिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फाइंड आउट के लिए फॉर्मूला क्या है, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स करेगा पचीनो नफो अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर CDIT की संख्या। तो देखिए ऑलरेडी अर्निंग तो हमने निकाल दिया, तो ये 50,000 ही आएगा, यहाँ पर 90,000 ही आएगा, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर की संख्या, तो 10 लाख का अमाउंट है और 100 रुपए का प्राइस है, तो 100 से डिवाइड करो तो कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे, शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 10,000, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ शेयर सेम होने वाले 10,000। तो यहाँ पे जो EPS निकल के आएगा, पहले का 5 रुपीज निकल के आएगा और सेकंड का 9 रुपीज निकल गया, बट यहाँ तक हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हमको क्या मांगा गया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप सबसे मेन इंक्रीज पूछा गया कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना टकावारी क्या हुआ है, आवक में वधारो हुआ है, वो फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या करना चाहिए आपको, तो जो EPS के अंदर अर्निंग पर शेयर के अंदर CDIT कमाने में जो इंक्रीज हुआ है, वह पहले पता कीजिए कि कितना इंक्रीज हुआ है, वधारो हुआ है कि घटारो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर कितना था 5 रुपीज था, सेकंड ईयर नहीं सॉरी 120 भी कितना था 9 था, तो आपको वधारो मिल रहा है 9 - 5 बराबर कितना आ रहा है 4 आ रही है, 4 का आपको क्या मिला है वधारो मिला है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया टकावारी में, तो बड़ा सिंपल सा, मैं फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये 4 जो आंसर है वो कीजिए, राइट डाउन कीजिए, जो वधारो मिला या घटारो दोनों में से कोई भी आ सकता है,
इनटू में 100 कीजिए परसेंटेज के लिए, अपॉन में कौन सा करना है, अपॉन में जो बेस होता है बेस आधा वो लिखना है, तो आधार क्या 5, क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग हमको पता करना है कितना इंक्रीज हुआ है, तो अपॉन में कितना आएगा 5, तो आपको 80% इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब वो 5 से लेकर 9 हुआ था तो बीच का जो 4 का जो वधारो हुआ था इंक्रीज, वो कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ है। ये हो गया ईपीएस का वधारो, इंक्रीज हो गया जो परसेंटेज हमने फाइंड आउट किया। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था कंप्लीट 2018 का सॉल्यूशन। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्वेरी है इस वीडियो में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।